हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत करी थी। हम लोगों ने बुक कीपिंग का सारा कुछ देख लिया था, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, उसके बाद में इम्पोर्टेंस, फिर उसके बाद में आपका यूटिलिटी, ये सब बातें हम लोगों ने देख के रखी थी। उसके बाद हम लोग आगे जा रहे थे अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में बेसिकली हमने उसका सबसे पहले देखा था मीनिंग। तो अकाउंटेंसी का मीनिंग आपने क्या बोला? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है क्या, ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये सब आपका था अकाउंटेंसी के अंदर। फिर हमने एक और बात देखी थी कि अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है बुक कीपिंग। क्यों मैं ऐसा बोल रहा था? क्योंकि जब आप लोग बुक कीपिंग की डेफिनेशन देख रहे थे तो वो एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना। तो रिकॉर्डिंग की आर्ट है आपकी बुक कीपिंग। तो इसका मतलब साफ हो गया कि जब हमने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन देखी तो उसमें भी एक पार्ट आया था रिकॉर्डिंग का। तो इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटेंसी में आपका बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व होता है। ओके, ये सब हमने देखा। फिर इसके बाद कल हमने बहुत ही अच्छा सा डिस्कशन देख के रखा था। तो हम लोग देख रहे थे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपको याद हो तो चलो आज हम लोग फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग हमने एग्जैक्टली क्या क्या देखी थी। उसमें हमने सबसे पहला देखा था बच्चों हमारी कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या बोलती है? तो दिस मेथड सेज दैट व्हेनेवर यू आर रिसीविंग द कैश और यू आर पेइंग द कैश, एट दैट टाइम ओनली यू विल हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। तभी आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जब आपको कैश या तो मिलेगी या तो आप कैश को पे करोगे तभी आप लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन। ये हमने देखा था, आई होप सबको याद आ रहा है। फिर मैंने आपको बोला था कि ये जनरली मेथड कौन फॉलो करते बताना, ये डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, सीए, ये सब लोग क्या करते हैं, आपकी कैश मेथड फॉलो करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंडली देख के रखी थी हमारी अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। एक्रूवल और मर्केंटाइल मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा? तो बेटा बहुत भारी बातें नहीं, बस सिंपल सिंपल में हमने सीख लिया था एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन ऑकर्स, या मैंने आपको एक गौरान तरीका बताया था याद करने के लिए। मैं आपको क्या बोल रहा था, कैश आएगी जाएगी वेट मत करो, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ ऑकर होता है वैसे ही उसको क्या करना, रिकॉर्ड कर देना। ओके, तो ये आपकी कौन सी मेथड थी बताना, एक्रूवल मेथड। बट अगर लैंग्वेज में बोलूं, बुकिश लैंग्वेज में बोलूं, तो वहां पे ऐसा लिखा था रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और रिवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड। मतलब जब आपने अर्न किया है रिवेन्यू तब उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको क्रेडिट सेल का। तो जब आपका क्रेडिट सेल होता है माने उधारी का सेल आपने किया, तो भले ही पैसे बाद में वापिस आएंगे बट आप जब सेल कर रहे हो तभी आपका रिवेन्यू अर्न हो चुका था, ये फिक्स हो गया था कि आपको अब प्रॉफिट तो मिलने ही वाला है। तो उसको उसी वक्त हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, इसके अलावा हमने देखा था एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज और एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज या रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। मतलब जब आपने एक्सपेंसेस किए तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। जैसे मैंने आज कोई हॉल बुक किया तो उसका रेंट तो आज से चल रहा है, लेकिन उसका पेमेंट ऑफ रेंट मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद करूंगा। तो मुझे आप लोग बताना, अगर मैं एक्रूवल मेथड फॉलो कर रहा हूं तो जब मैं एक्चुअल में रेंट पे करूंगा मैं तब रिकॉर्ड करूं या आज ही रिकॉर्ड कर दूं? तो आपका जवाब आना चाहिए, सर एक्रूवल फॉलो कर रहे हो ना, तो आज का एक्सपेंडिचर आज ही रिकॉर्ड करो। आज एक्सपेंडिचर इनकर हुआ रे हुआ उसको आज ही हम लोग क्या करेंगे बताना, रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ओके, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट, योर एक्रूवल सिस्टम। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो, हाइब्रिड मेथड, मिक्स्ड मेथड। अब उस मेथड में क्या होता है, तो उस मेथड में होता यह है रिवेन्यू तब रिकॉर्ड करना जब आपको कैश मिलेगी। व्हाट आई एम टेलिंग, रेवेन्यू आप तब रिकॉर्ड करना जब आपको कैश रिसीव होगी। ओके, लेकिन एक्सपेंसेस तब रिकॉग्नाइज करो जब वो आपने इनकर किए। ओके, तो देखो मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा सा डाउट आया था आदर्श का। आदर्श ने बोला कि सर ये बात तो ठीक है कि आपने बोला कि ये जो मिक्स मेथड है ये प्रोहिबिटेड इन इंडिया है। ओके,
तो आदर्श को क्यूरियोसिटी थी कि सर ये भी बता दो कि ये जो एग्जैक्टली मेथड प्रोहिबिट की है तो वो प्रोहिबिट क्यों की है। तो बेटा आपको डिफिकल्टी ना जाए इसके लिए मैंने पहले रीजन नहीं बताया, बट अगर आपको चाहिए लॉजिक रीजन चाहिए तो सुनो मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, अगर मान के चलो आप लोग रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे जब कैश मिलेगी, ठीक है, और एक्सपेंडिचर तब रिकॉर्ड कर रहे हो जब आपने वो एक्सपेंडिचर इनकर किया, मतलब वहां कब पेड करोगे तब आप नहीं सोच रहे हो, आप लोग जब इनकर कर रहे हो तभी उसको रिकॉर्ड करोगे। देखो हाइब्रिड मेथड क्या बोलती है, हाइब्रिड मेथड बोलती है रेवेन्यू को कैश बेसिस में रिकॉर्ड करो और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना आपके एक्रूवल बेसिस के हिसाब से। तो इस मेथड में प्रॉब्लम कहां पे जनरेट होती है 2 मिनट के लिए समझ के लो। अब लेट से मैंने किसी को क्रेडिट में सेल किया, मैंने आप लोगों को उधारी में कुछ गुड्स बेचे हैं, ओके। तो अगर मैं मिक्सड मेथड फॉलो करूं, इफ आई एम फॉलोइंग हाइब्रिड मेथड और मिक्स मेथड, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्रेडिट में सेल किया, उधारी में बेचा, तो क्या मैं उसे आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा? जवाब है जी नहीं, क्योंकि मिक्स मेथड क्या बोलती है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड किस बेसिस पे, कैश बेसिस पे। मतलब मैं अगर उधारी में बेचूंगा तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जब आप मुझे पैसे दोगे तब जाके मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं आज आपको उधारी में बेच रहा हूं, आप 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद मुझे पेमेंट दोगे, तो जब मुझे वापस पैसा आप लोग दोगे तब मैं रिकॉर्ड करूंगा। ये कौन बोलता है, मिक्स मेथड। और अगर एक्सपेंसेस की बात चल रही है, जैसे रेंट का एक्सपेंडिचर, मैंने आज हॉल बुक किया बट मैं उसको बोलता हूँ रेंट तो मैं तुझे लॉकडाउन खुलने के बाद ही पे करूंगा, ओके, अनलॉक के बाद ही पे करूंगा, जब क्लासेस वहां शुरू होंगे तब मैं रेंट पे करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मिक्स मेथड बोलती है तुमने आज हॉल बुक कर दिया ना, रेंट तो तुम्हारा भी यहां से चालू हो गया ना, तो आप क्या करना, रेंट को आज से रिकॉर्ड करना। देखो 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 हाइब्रिड मेथड कितनी जबरदस्त है, मैं क्रेडिट में सेल कर रहा हूं तो हाइब्रिड मेथड बोलते भाई इसको आज मत रिकॉर्ड कर, कल जब वो बंदा तुझे पैसे देगा तब रिकॉर्ड करना। और खर्चे की जब बात आई तो मेथड बोलती है खर्चे का पेमेंट से कोई वास्ता नहीं, पेमेंट भले ही तू बाद में देगा, बात के बाद में देख लेंगे, बट आज क्या कर, आज वो खर्चे को बुक कर, आज वो एक्सपेंडिचर को बुक कर दे, रिकॉर्ड कर दे, ओके। ये बोलती है हाइब्रिड मेथड, क्योंकि हाइब्रिड मेथड बोलती है एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करो एक्रूवल बेसिस पे, मतलब जब ट्रांजैक्शन हुआ तब रिकॉर्ड करो, एंड जो भी रिवेन्यूज है रिवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना जब आपको कैश मिलेगी, कैश रिसीव्ड बेसिस पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बोलती है हाइब्रिड मेथड। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं आज क्रेडिट सेल करूं तो उसको मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड करूंगा। हालांकि एक्सपेंडिचर्स को, खर्चों को मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, भले ही मैं पेमेंट बाद में देने वाला हूं। तो अब इसमें मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या होती है। द प्रॉब्लम इज दैट जब भी आप ऐसे करोगे इसका मतलब है आप रिवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए पोस्टपोन कर रहे हो। बात समझो, यू आर पोस्टपोनिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ रिवेन्यू, मतलब हमको जो भी इनकम हो रही ना तो हम उसको थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, हम बोल रहे भाई आज मत रिकॉर्ड करो, कल कैश आएगी ना कल रिकॉर्ड कर देना, ओके। इसका मतलब 1 मंथ 2 मंथ के बाद जब पैसा आएगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, जबकि एक्सपेंडिचर को भले ही आप पे बाद में कर रहे बट उसको आप आज से रिकॉर्ड कर रहे। तो मुझे एक बात बताओ, सोच के बताओ, किसी ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसने अगर सेल किया है किसी को क्रेडिट पे, उधारी पे, तो उसको पैसा तो अगले महीने में आएगा। बात समझ रही ना आपको, पैसा अगले मंथ में आएगा। तो अगर अगले मंथ में पैसा आ रहा है तो वो बंदा कब रिकॉर्ड करेगा मिक्स्ड मेथड के हिसाब से, तो जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेगा, अगर वो मिक्स मेथड फॉलो कर रहा है तो। और अगर वो फॉलो करता है पेमेंट, अगर वो फॉलो करता था कैश मेथड तब भी वो क्या करता था, ऐसे रिकॉर्ड करता था। बट अगर एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, लेट्स से रेंट, रेंट वो बंदे ने पे किया कब, अगले महीने में, बट हॉल कब से बुक कर लिया, उसी मंथ से जिस मंथ से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको नहीं लगता कि वो पर्टिकुलर बंदे का एक्सपेंडिचर माने रेंट का एक्सपेंडिचर उसी मंथ से बुक होगा, किस मंथ से, जब से उसने बिजनेस स्टार्ट किया।
तो सपोज मैं उस एक महीने का प्रॉफिट निकालू, कौन से महीने का, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उस मंथ में उसने सेल तो किया था बट क्रेडिट में सेल किया, तो उसकी वजह से उसने कहीं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी, मतलब उसने हिसाब किताब कुछ नहीं रखा उस सेल का। क्यों? क्योंकि मिक्स मेथड बोलती है जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करो, और पैसा तो अगले मंथ में आने वाला है, तो उसने इस पर्टिकुलर मंथ में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, ठीक है। लेकिन जब एक्सपेंडिचर की बात आई तो हॉल जब से बुक कर लिया तब का रेंट उसने जरूर रिकॉर्ड कर दिया, तो आपको नहीं लगता उसने रिवेन्यू तो रिकॉर्ड नहीं किया बट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर दिख रहा है बट रिवेन्यू नहीं दिख रहा। तो मुझे एक बात बताओ, किसी बंदे का रिवेन्यू मतलब उसकी इनकम नहीं दिख रही बट एक्सपेंडिचर ही दिख रहे, तो आप सोच के बताना उस बिजनेस में उस एक महीने में प्रॉफिट दिखेगा या लॉस दिखेगा। आप बोलेंगे सर कितनी छपरी बात पूछ रहे हो, ये तो कोई भी बता देगा। अगर एक्सपेंडिचर ही हो रहा है, रिवेन्यू नहीं हो रहा, रिवेन्यू हम बता नहीं रहे, तो डेफिनेटली वहां पे तो लॉस ही दिखेगा, आप सब लोग मानते होंगे। अगर आप सिर्फ रिवेन्यू नहीं बता रहे हो, सिर्फ एक्सपेंडिचर ही बता रहे हो फर्स्ट मंथ में, क्यों? क्योंकि जो हमने क्रेडिट में सेल किया वो तो हम नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप एट लास्ट क्या कर रहे हो बताना, सिर्फ एक्सपेंडिचर आज बुक कर रहे हो, रेवेन्यू अगले मंथ में बुक करोगे, तो इस सिचुएशन की वजह से आपको हमेशा लॉस मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? इनिशियल पीरियड में आपको लॉस दिखाई देने लग जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे इंडिया में इनकम टैक्स नाम का एक टैक्स है, ठीक है। अब ये जो टैक्स है ना बच्चों, ये आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और ये इनकम टैक्स किस पे निकाला जाता है, तो बिजनेस के प्रॉफिट पे। वो बात अलग है, उसके बहुत प्रोविजन होती है, वो आप जब सीए के सेकंड स्टेज में पहुंचोगे तब पता चलेगा कि वो कैसे निकाला जाता है। बट फिलहाल मैं रफली बोलता हूं, जो आपका प्रॉफिट होता है ना भाई, उस प्रॉफिट पे किया जाता है इनकम टैक्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा टैक्स, जितना कम प्रॉफिट उतना कम टैक्स, ओके। और लॉस हुआ तो भाई ऐसा है क्या कि हमको फिर भी पे करना पड़ेगा? नहीं, लॉस हुआ तो आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, ओके। तो आप मुझे एक बात बताना, अगर आप हाइब्रिड मेथड फॉलो करने लग गए, तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ कर चुका हूं कि आपको तो लॉस ही होने वाला है। अगर आपने हाइब्रिड मेथड फॉलो करी तो आप रिवेन्यू को अगले मंथ में रिकॉर्ड कर रहे हो और एक्सपेंडिचर तो इसी मंथ में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको इस करंट पर्टिकुलर मंथ में तो लॉस ही दिखाई देगा। बात समझ रही ना आपको? आपको तो लॉस नजर आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको सिर्फ लॉस जनरेट हो रहा है, इफ यू आर फेसिंग जस्ट लॉस्ट ओवर हियर, तो सीधी सी बात है आपको इनकम टैक्स जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। और जब इनकम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, तो गवर्नमेंट नाराज हो जाती है, ओके। तो गवर्नमेंट जो नाराज होती है ना, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नाराजी में एक ही बात बोला कि भाई ये मेथड बहुत ही बकवास मेथड है। कौन सी? मिक्स मेथड। क्यों बकवास है बताना? क्योंकि इसमें तो खर्चे तुम पहले ही बुक करते, इनकम बाद में बुक करते, तो इससे तो क्या होगा, तुम्हारा ज्यादा कर लॉस ही नजर आएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, खुद का रिवेन्यू ना डूबे इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये मेथड को प्रोहिबिट करो, इसके लिए दिस मेथड इज व्हाट प्रोहिबिटेड, ओके। ये मेथड प्रोहिबिटेड है। एक बात और क्लियर करा दूं आपको बेटा, ऐसा नहीं होता कि आपको हर मंथ में इनकम टैक्स भरना पड़ता है। इनकम टैक्स तो एट द एंड आप लोग, मतलब 31 मार्च, मैंने आपको बताया भी था हमारा फाइनेंशियल ईयर बोलो कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इस पीरियड का जो भी प्रॉफिट निकलता है ना बच्चों, तो ये आगे चल के आगे के मंथ्स में, जुलाई एंड सितंबर, इन मंथ्स में जाके आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बट देखो अभी वहां तक नहीं जाते, हमको बस नॉर्मल पहले अकाउंट ही समझ जाए, वही हमारे लिए काफी है, ओके। हमको इनकम टैक्स तक पहुंचना है क्या? नहीं, बस आप सिंपलिसिटी के लिए बस इतना समझो कि भाई अगर आप मिक्स मेथड फॉलो करोगे ना, तो आपके जो रिवेन्यूज है वो रिकॉर्ड लेट होंगे और एक्सपेंडिचर पहले ही रिकॉर्ड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमेशा आपका प्रॉफिट जो है वो कम नजर आने लगेगा, या आपको तो लॉस की ही सिचुएशन नजर आने लग जाएगी। तो ये ना दिखे इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको प्रोहिबिट किया, ओके।
तो ये उस आदर्श ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसका ये जवाब दे दिया। आई नो वेरी वेल बहुत बड़ा आंसर था, बट आपको समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको इसमें की कोई चीज ही नहीं पता है। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको रीजनिंग भी नहीं बताया था, बट क्योंकि क्वेरी आई तो बताना मेरा काम है। ठीक है, तो कंक्लूड करूं सेंटेंस को, तो मिक्स मेथड में होता क्या है बच्चों, आप लोग रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हो? आप लोग रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करोगे जब आपको क्या होने वाला है बताना। रेवेन्यू को तब हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम लोगों को कैश रिसीव होती है। और एक्सपेंडिचर कब रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप लोग, वो तो हम लोग एक्रुअल बेसिस पे करेंगे। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। इसकी वजह से एक्चुअल में फर्क क्या गिरता है, आपका रेवेन्यू बुक होता है लेटली और आपका एक्सपेंडिचर बुक होता है अर्ली। ठीक है, इससे प्रॉफिट कम दिखता या फिर लॉस आपका जनरेट होके आने लगता। इससे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, तो टैक्स नहीं मिलता तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सीधा क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया इस पर्टिकुलर मेथड को। ओके, आई होप ये शॉर्ट में समझा होगा। चलो अब हम लोग आज एक न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस। ओके, वैसे तो ये जो आपकी 11th वगैरह की एग्जाम होती है, वैसे कोई उसको भाव देता नहीं है, बट फिर भी आता है एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो देखो, बुक कीपिंग में वो बोलता है इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होंगे, ट्रांजेक्शन पता है आपको, जो बिजनेस की एक्टिविटीज होंगी उसको रिकॉर्ड करना, मतलब उसका हिसाब किताब करना और क्लासिफाई करना। मैंने आपको क्लासिफाई का समझाया था, मीनिंग एक ही प्लेस पे आप एक ही टाइप के सारे ट्रांजैक्शन लिख दोगे। जैसे सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पे, परचेस के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पे, है ना, दिस इज योर क्लासिफाइंग। तो इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बुक कीपिंग? बुक कीपिंग किससे कंसर्न होती है बताना, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन से। जबकि अकाउंटेंसी किससे कनेक्टेड होती है, तो इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में क्लासिफाइंग, उसके बाद में समराइजिंग, उसके बाद में एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग फाइनेंशियल डेटा। ओके, अब ये एग्जैक्टली इतने जो वर्ड आए आपके सामने, इनका क्या क्या मीनिंग निकलता है ये हमको समझ के लेना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग। तो बेटा रिकॉर्डिंग का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है रिकॉर्डिंग का मतलब, तो कुछ नहीं, द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग इज दैट आप सिर्फ लिख के रख रहे हो, ठीक है, दैट इज रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग का क्या मतलब होता है, तो क्लासिफाइंग का मतलब है जब हम एक टाइप के ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिख के रख देंगे, जैसे सेल सेल सब एक जगह पे, परचेस परचेस सब एक जगह पे, ये क्या हो जाएगा आपका क्लासिफाइंग। उसके बाद में समराइजिंग। ओके, अब समराइजिंग का मतलब क्या है, अब जितना आपने परचेस का सब ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिख दिया, सेल्स का सब एक जगह पे लिख दिया, ओके, इसको और छोटा करना, कॉम्प्रेस करना, कैसे करते हैं सब समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ बता देता हूं, समराइजिंग का मतलब है ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट पीएनएल बनाना, ये सब चीजें, बट अभी आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में तो फुकट दिमाग मत डालो। समराइज का मतलब अभी के लिए गावरन लैंग्वेज में इतना समझ के चलो कि जो आपने अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करी थी, जो सब कुछ आपने लिख के रखा था, उसको कॉम्प्रेस कर देना, छोटा कर देना, समराइज वे में प्रेजेंट कर देना, ये होता है समराइजिंग। ओके, फिर उसके बाद एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या है, जो आपने हिसाब किताब लिखा उसको एनालाइज करना, उसमें आपको फिर और इंटरप्रिट भी करना पड़ेगा, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, हमने क्या प्लान किए थे, कितने अचीव हुए हमारे प्लान, ये सब देखना, ये आपके अकाउंटेंसी का पार्ट होता है। ओके, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द फाइनेंशियल डेटा। ओके, ये काम होता है आपके अकाउंटेंसी का। उसके बाद बुककीपिंग इज प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। देखो, आपके अकाउंटिंग में सबसे पहली स्टेज जो होती है, दैट इज नथिंग बट द बुककीपिंग, क्योंकि जब आपका ट्रांजैक्शन हो रहा उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करना, ये आपके बुककीपिंग का काम है, या यही चीज आप लोग बुक कीपिंग में करते हो। ठीक है,
तो जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन लिख के रख रहे हो, तो दिस इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। ये तो सबसे पहला काम हो गया आपके अकाउंटिंग का। ओके, तो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। सेकेंड थिंग, अकाउंटेंसी में क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड्स सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो वो क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम मतलब ये प्राइमरी स्टेज तो है ही है। देखो देखो देखो, अकाउंटेंसी का मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्राइमरी स्टेज नहीं है, नहीं तो आपके देखो बहुत दिमाग में लॉजिक फिट होते हैं, आपके दिमाग कैसे बात करते। देखो मैं आपको बताता हूँ, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, तो आप लिख देंगे अकाउंटेंसी सेकेंडरी स्टेज, ऐसे मत लिखना। ओके, यहां पे बोला क्या गया है, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज मतलब अकाउंटेंसी में प्राइमरी स्टेज तो आती ही आती है और सेकेंडरी स्टेज भी आती है, दोनों भी आती है आपके अकाउंटेंसी के अंदर, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं है कि बुक कीपिंग प्राइमरी है तो अकाउंटेंसी सेकेंडरी स्टेज है, ऐसा नहीं होता। बुक कीपिंग प्राइमरी है तो अकाउंटेंसी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है, इसके लिए वर्ड यहाँ पे यूज क्या किया गया है, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज मतलब ये प्राइमरी तो है ही है, उसके अलावा इट इंक्लूड्स, इंक्लूड का मतलब है इसके अंदर आता है, क्या आता है बताना, सेकेंडरी स्टेज भी आती है। ओके, तो ये चीज याद रखना, जब डिस्टिंग्विश करोगे तो थोड़ा सा खौफ खा के करना, बेखौफ होके मत करना। ओके, ये दो पॉइंट हमने देखे। देखो पहला पॉइंट कौन सा था, बुक कीपिंग किससे कंसर्न होता है बताना, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग से। जबकि मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो वो क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, इनसे रिलेटेड होता है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग है तो अकाउंटेंसी अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड्स व्हाट, सेकेंडरी स्टेज ऑल्सो, इसमें सेकेंडरी स्टेज भी होती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। ओके, बुक कीपिंग का एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या होता, कि भाई सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी है, जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, विचार मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वैसे सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करके रखना, ये किसका ऑब्जेक्टिव हो गया बताना, ये आपके बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो बुक कीपिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बताना, टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। तो जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उनको सिस्टमैटिकली हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करके रखना है, ये किसका काम हो गया आपके बुक कीपिंग का। जबकि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। अब ये पॉइंट थोड़ा सा समझ के लेना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर सर सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं समझता, तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे अकाउंट्स में कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली तो है पांच, पांच में सबसे पहला आता है बैलेंस शीट, सेकेंडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट, फोर्थ चेंजेस इन इक्विटी एंड फिफ्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट इसमें से नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, ये सब आपको बाद में समझेगा। अभी तुमको मुझे सिर्फ दो ही टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताने जो आपके 11th के लिए रिलेवेंट रहेंगे। ओके, तो वो दो कौन से है, एक होती है बैलेंस शीट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या, इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ये हमारे अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव होता है। देखो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ छोटा सा ऑब्जेक्टिव, जितने ट्रांजैक्शन हो रहे सारे की सारे रिकॉर्ड करना, ये बस ऑब्जेक्टिव है हमारे बुक कीपिंग का। जबकि अकाउंटिंग का आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है बताना, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे तो है पांच, बट मैं आपको सिर्फ दो की बात करूंगा, नंबर वन बैलेंस शीट, नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर हमको ना बैलेंस शीट समझती ना प्रॉफिट एंड लॉस समझता,
आप में से अगर कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता होगा तो उन्होंने एटलीस्ट ये वर्ड्स उनके कानों में तो गए होंगे, पापा को किसी से बात करते हुए सुना होगा, या कभी तो भी आपके दिमाग में गया होगा भाई बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल एंड ऑल। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है तो सुन के लेना मेरी बात। देखो अब ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस आपका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, आप कॉमर्स में हो ना तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो सुन के लेना मेरी बात ध्यान से, या लगा तो आप कहीं तो भी नोट कर लो, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग दो की बात करेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता बेटा, उसका नाम से ही आप समझ सकते हो, नाम से ही उसका काम समझ में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ओके, PNL भी बोलते हैं इसको प्यार से, क्या PNL स्टेटमेंट, ठीक है। ये होता क्या है, होता कुछ नहीं है, आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स है वो एक्सपेंडिचर्स एक जगह पे लिखे जाते, एक साइड में लिखे जाते। मैं डेबिट साइड बोलूँ तो आपको कुछ समझने वाला है नहीं, तो मैं बस अभी आपको क्या बोल रहा हूँ, एक साइड में एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं और एक साइड में इनकम लिखी जाती है। मतलब आपको जहां जहां से इनकम मिल रही वो एक साइड में, जहां जहां एक्सपेंडिचर हो रहा वो एक साइड में। तो फिर आपको क्या मिल जाएगा बताना, या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, मतलब हमारी इनकम ज्यादा है खर्चों से, तो डेफिनेटली कोई भी बोल देगा कि यहां तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है मतलब खर्चा ज्यादा है इनकम से, तो आप बोल दोगे सर यहां तो हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग करते क्या है बच्चों, ऐसे ही सारे इनकम सारे एक्सपेंडिचर दो साइड्स में लिखते हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस आता ना वो डिफरेंस या तो प्रॉफिट होता या लॉस होता। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बताता है बताना, आपको ये बताएगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट हुआ कौन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब सवाल है सर आप बैलेंस शीट का भी कुछ तो भी बोल रहे थे, ये भी हमने शायद सुना है कहीं, तो सुना सुना सा लगता होगा किसी किसी को। तो बैलेंस शीट एग्जैक्टली क्या होती है, अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस आपने नाम से कुछ तो भी मीनिंग निकाला, वैसे तो बैलेंस शीट का भी नाम से मीनिंग निकलता, बट अभी आप उतने कैपेबल नहीं हो समझने के लिए, तो मैं आपको अभी सिंपल टर्म्स में समझाता हूं कि बैलेंस शीट क्या है। तो बेटा बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आपके बिजनेस में कितने प्रॉपर्टीज है, कितने असेट, मैंने असेट का मतलब बताया था, असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ओके, आपके बिजनेस की कितनी प्रॉपर्टी है। अब असेट में क्या आएगा, प्रॉपर्टी में क्या आएगा, आपके पास में बिल्डिंग है तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास में जमीन है जिसको हम लोग लैंड बोलेंगे वो लैंड आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास में कार है बिजनेस की तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी बन रही। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना इसको बोलेंगे असेट्स, इसको क्या बोलने का, असेट। और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती है, मैंने आपको बोला था जिन्हें आपको पैसे देने बाकी होंगे, जिनको आपको पैसे देने बाकी होते हैं उसको बोला जाता है लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट होती है ना, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हमारे बिजनेस के असेट कितने हैं वो भी बताता है और लाइबिलिटीज हमारी कितनी है वो भी बताता है। इन शॉर्ट गवर्न लैंग्वेज में हमारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है वो भी बताएगा और हमको लोगों का कितना पैसा देना बाकी है ये भी बताएगा। कौन बताएगा बताना, आपका बैलेंस शीट बताएगा। बात समझ में आ रही है, बैलेंस शीट ये उसका प्रोनंसिएशन हो गया। तो बोलने का मतलब मेरा ये है, यहां जो आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या हो गए तुम्हारे लिए, क्या क्या रिलेवेंट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये समझता, और बैलेंस शीट से हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है और हमको लोगों का कितना देना बाकी है ये समझ में आता, ओके। तो ये समझाना या ये बनाना ये किसका पर्पस है बताना, किसका ऑब्जेक्टिव है बताना, आपके अकाउंटिंग का। देखो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक, क्या, जो ट्रांजैक्शन हो रहे उसको रिकॉर्ड कर रहे, दैट्स इट।
जबकि अकाउंटिंग में आप लोग क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, है ना, मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बिजनेस में ये जानने के लिए। बैलेंस शीट बनाते हो, हमारी असेट्स कितनी है, प्रॉपर्टीज कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है वो जानने के लिए। तो ये जानना बनाना आपका काम है अकाउंटिंग का। एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। और जो आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो भी आपके बिजनेस में असेट लाइबिलिटी है, ये रिलेवेंट अथॉरिटी तक बताना। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस, अब देखो उस कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं, ये क्या अंबानी जी निकालते बैठते होंगे? आपको क्या लगता है? जवाब है नहीं। तो उनके जो छोटे मोटे या मैं बोलूंगा जो फाइनेंस के ऑफिसर है, वो लोग ये धंधे करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ लॉस कितना हुआ, ठीक है। तो ये जब एक बार प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, तो आपको नहीं लगता कि ये अंबानी जी को भी कम्युनिकेट किया जाएगा या बताया जाएगा अंबानी जी को कि साहब अपने बिजनेस में इतना इतना प्रॉफिट हुआ इस साल में, इतना इतना लॉस हुआ इस साल में, है ना। तो वही तो बात हो गई ना, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पहली बात आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाओगे और फिर फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। सिर्फ बना के आपको फाइल में अटैच करके रखना है क्या? नहीं, इसको आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज, जो भी अथॉरिटीज होंगी उसको आपको बताना भी पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? तीन ऑब्जेक्टिव देख लिए बच्चों, तीन डिफरेंसेस देख लिए। नंबर वन, हमने मीनिंग का डिफरेंस देखा। नंबर टू, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, तो अकाउंटेंसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों भी इंक्लूड करती है। ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक मैनर में, जबकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, मतलब बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज। तो जो भी अथॉरिटीज है उनको भी ये स्टेटमेंट देना इसका पर्पज होता है। ओके, जूनियर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल, ओके, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स। ओके, ये बात समझो, मेरे को एक बात बताओ, दोनों में से छपरी काम कौन सा लगता? रिकॉर्डिंग करना लगता कि अकाउंटिंग करना लगता, या मैं बोलूंगा बुक कीपिंग करना लगता या अकाउंटिंग करना लगता? तो आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग में भारी भारी काम कर रहे, रिकॉर्डिंग या मैं बोलूंगा बुक कीपिंग में हम लोग तो बस एक ही काम कर रहे, क्या? जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा वैसे लिख के निकाल रहे। बात समझ में आ रही ना आपको? एज एंड व्हेन वी आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग इट, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं कर रहे हम लोग। किसमें? बुक कीपिंग में। बट अकाउंटिंग में क्या कर रहे? रिकॉर्डिंग भी करते, फिर उसके बाद में क्लासीफाई भी करते, समराइज भी करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रहे। तो बड़े बड़े काम हैं आपके अकाउंटिंग में, जबकि बुक कीपिंग में सिर्फ क्या करनी पड़ रही है? रिकॉर्डिंग, सिर्फ लिख के रखना पड़ रहा है ट्रांजैक्शन को। तो आप मुझे बताना छपरी काम कौन करेगा, सीनियर करेगा या जूनियर करेगा? तो सीधी सी बात है भाई, जूनियर ही करेगा। जूनियर को इतना नॉलेज नहीं होता, इतना उसके ऊपर वर्कलोड अभी तक आया नहीं रहता, इतना उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जूनियर को ऐसे रिकामे धंधे करने देते क्या? चलो लेके रखो, रिकॉर्डिंग करो ट्रांजैक्शन की, ओके, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ उसको लिख के रखो। ऐसे काम किसको दिए जाते बच्चों? जूनियर्स को दिए जाते। और फिर सीनियर क्या करते बच्चों? ये सब क्रीमी काम करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करते। ओके, तो देखो जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड, ठीक है, और सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अकाउंट्स। बात समझो, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग है, तो वो रिकॉर्डिंग कौन करेगा? जूनियर बंदा। और अकाउंटिंग भारी है तो ये काम कौन करेगा? सीनियर बंदा। ओके, सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अकाउंट्स। ओके, उसके बाद बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। अरे बेटा कुछ नहीं समझेगा, जर्नल लेजर क्या है? ये तो हमको चैप्टर है, ये चैप्टर का तो यहाँ पे बस नाम आया है। ओके, अब ठीक है, नाम आ ही गया तो मैं और थोड़ा सा सस्पेंस से पर्दा नीचे गिराता हूँ। देखो मैं आपको बार बार बोलता था ना, बुक कीपिंग इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बोलता था मैं आपको। और फिर मैं आपको क्या समझाता था
कि बेटा रिकॉर्डिंग का मतलब होता है लिख के रखना। बट फिर मैं आपको वो भी लिख के बताता था कि आप अगर ऐसा लिखोगे रेंट पेड 10,000, तो मैं बोलता था इसको सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग नहीं बोलते, याद आ रहा है ना आपको। और फिर मैं आपको बोलता था कि थोड़ा जैसे आगे जाएंगे वैसे तुमको ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करने आएंगी। तो अभी सिर्फ अब नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होती है ना बच्चों, तो वो होती है जर्नल बुक के अंदर। अरे बात समझ रही है आपको, जर्नल बुक क्या है कैसी है इस पर पूरा चैप्टर है, हमको सब रामायण महाभारत आगे देखनी है। बट फिलहाल आप इतना ही जान लो कि जो मैं वो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की रट लगाया करता था, तो वो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ पे करी जाती है, जर्नल में करी जाती है। बात समझ में आ रही है आपको, कहाँ करेंगे वो सब चीजें, जर्नल में। अब लेजर क्या होता है, लेजर होता है क्लासिफाइंग। देखो मैं आपको कल या परसों ही बता रहा था लेजर के बारे में या क्लासिफाइंग के बारे में। मैं क्या बोलता था आपको, मैं बोलता था बच्चों क्लासिफाइंग का मतलब है सेल्स के पूरे ट्रांजैक्शन एक जगह पे, परचेस के पूरे ट्रांजैक्शन एक जगह पे। ये जो ऐसे आप लोग लिखते हो ना, अकाउंट वाइज जो आप लोग लिख रहे हो ना, इसको बोला जाता है क्लासिफाइंग। और जनरली वो क्लासिफाइंग किसके किसके थ्रू किया जाता है, लेजर के थ्रू किया जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लासिफाइंग जो होता है ना वो किसके थ्रू किया जाता है, लेजर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो बुककीपिंग में जर्नल भी आता लेजर भी आता, लेकिन जब बात चलती है आपके अकाउंटेंसी की, ओके, तो अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और बैलेंस शीट निकालना। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो समझता, अभी मैंने आपको ऊपर ही समझाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक्चुअली आजकल उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, बट अब आपके अकाउंट देखो बुक्स में आपको अकाउंट दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि आज भी हमारे ये 11th 12th के बुक्स में सब पुरानी पद्धत आज भी यूज हो रही है, दुनिया बदली है, बट यहाँ पे ठीक है जो भी है हमको वैसी पढ़ना है। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसी चीज है जहां से आपको पता चलेगा या तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है। ये आपको कौन बताएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा। और दूसरी बात बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या बताया, इसमें हमारे पास कितने असेट्स है कितनी लाइबिलिटीज है ये बताएगी आपको बैलेंस शीट। असेट का मतलब प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी का मतलब हमें दूसरों को कितना देना बाकी है, ये चीजें कौन बताएगी आपको, बैलेंस शीट बताएगी। ठीक है, तो देखो आउटकम बुक कीपिंग से क्या मिलता है, या बुक कीपिंग काहे के थ्रू करते हैं, जर्नल और लेजर के थ्रू। तो अकाउंटेंसी किसके थ्रू की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू करी जाती है। ठीक है, पीरियड बुक कीपिंग यूज डे टू डे डिटेल। बुक कीपिंग में अपन क्या करते बच्चों, डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते, तो बुक कीपिंग से आपको रोज का ट्रांजैक्शन पता चलेगा। ओके, लेकिन अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल्स ऑफ एंटायर ईयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, बुक कीपिंग से आपको डे टू डे ट्रांजैक्शन मिलेंगे, लेकिन अगर मैं जब बात करूंगा अकाउंटेंसी की, तो ये जो प्रॉफिट देख रहे हो ना आप लोग यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट, ये जनरली ईयर के एंड में बनाई जाती है। जब हमारा पूरा साल खत्म हो जाता, एक ईयर कंप्लीट हो जाता, तब जाके अपन अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते रहते। तो मतलब क्या हुआ, बुक कीपिंग में आपको डे टू डे डिटेल मिलेगी, जबकि अकाउंटेंसी आपको एंटायर ईयर का एक साथ ही आउटकम देगा। बात समझ में आ रही है, तो चलो एक बार हम लोग देख लेते कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया, चलो फास्ट एक बार हम लोग रिकॉल करते। मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने देखे थे सबसे पहले तो मीनिंग, तो मुझे एक बात बताना मीनिंग में आप लोगों ने बेसिकली क्या क्या देखा था। तो बेटा मीनिंग में तो हमने सबसे पहले देखा था आपके बुक कीपिंग का मीनिंग, तो बुक कीपिंग का मीनिंग होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था आपके अकाउंटिंग का मीनिंग, तो ये होता है क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है, तो अकाउंटेंसी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों स्टेज होती है। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। जबकि अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट क्या है बताना,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बेटा जूनियर स्टाफ क्या करेगा, जूनियर स्टाफ छोटे मोटे काम करेगा, मतलब बुक कीपिंग करेगा। और सीनियर स्टाफ क्या करता है बताना, तो बेटा सीनियर स्टाफ जो है ना वो करेगा अकाउंटिंग। अरे बात समझे कि नहीं समझे। फिर उसके बाद में मुझे बताओ आउटकम, बुक कीपिंग किससे बनती है, जर्नल या लेजर से, और आपके अकाउंटेंसी से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट मिलेगी। पीरियड, बुक कीपिंग डे टू डे होता है, रोज का रोज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जबकि अकाउंटेंसी एट द एंड ऑफ द ईयर की जाती है, ठीक है। मतलब ये जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है ये जनरली कब निकाले जाते हैं, ईयर के एंड में निकालते हैं। एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। तो भाई एक बात समझो, आप अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना ट्रांजैक्शन की, तो जो ट्रांजैक्शन हुआ मैं सिर्फ लिख के रख रहा, जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा मैं लिख के रख रहा, तो ये लिखने को कोई एनालिसिस लगता है क्या, कोई दिमाग चलाना पड़ता है क्या? जवाब है नहीं। जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा मैं उसको लिख दे रहा, उसमें कोई एनालिसिस करूंगा क्या मैं? जवाब है नहीं। लेकिन अकाउंट यूजेस बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रिट द डेटा एंड देन कंपाइल्स इट टू रिपोर्ट्स। लेकिन अकाउंटिंग में आप लोग क्या करते हो, अकाउंटेंसी में क्या करते हो, जो आपने बुक कीपिंग में डेटा निकाला है उसको आप लोग एनालाइज करते हो और उससे इंटरप्रिटेशन भी करते हो। एनालाइज क्यों करेंगे, जैसे अब मान के चलो आपका रेंट का पेमेंट हो रहा है 7,000, 7,000, 7,000, ओके, हर मंथ का आपका रेंट का पेमेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो बुक कीपिंग में आप क्या करोगे, रेंट 7,000 पेड किया, लिख के रखा, हर महीने का 7,000, 7,000, 7,000 आपने लिख डाला। बट जब हम अकाउंटेंसी करेंगे तो फिर तब हमको समझ में आएगा कि यार अपन ने तो पूरे ईयर में 84,000 का रेंट पे कर दिया, पूरे साल भर में 12 महीने का 84,000 का तो हमने क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया, तो इसको शायद हमको अभी कम करना चाहिए। ये सोच आपकी रहेगी, कहाँ पे सोच रहेगी बताना, अकाउंटेंसी में। मतलब आपने क्या किया, एनालिसिस किया। जब मैं बुक कीपिंग कर रहा हूं तो जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा वैसे लिख के रख रहा, रेंट पे किया लिख दिया। बट जब मैं अकाउंटेंसी करूंगा तब मैं एनालिस भी करूंगा, एनालाइज भी करूंगा और उसको इंटरप्रिट भी करूंगा। फिर मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग। अब देखो मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये अंबानी साहब है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये रिलायंस इंडस्ट्री के रोज के कितने तो ट्रांजैक्शन होते होंगे, कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे सोच के देखो। एक अपन नॉर्मल कंपनी लेते हैं, टेलीकॉम कंपनी जियो, ओके। जियो का मेरे को बताओ एक दिन में कितने लोग रिचार्ज मारते होंगे। तो जितने लोग रिचार्ज मार रहे हैं ना, तो वो जियो के लिए तो वो सब क्या हो रहे, ट्रांजैक्शन होते जा रहे। अरे बात समझ रहे ना आपको, फॉर देम दैट इज नथिंग बट द ट्रांजैक्शन। अब इतने ट्रांजैक्शन हो रहे तो मुझे बताओ अंबानी साहब मांडी डाल के बैठ के क्या वो सारे ट्रांजैक्शन पूरे चेक करते बैठेंगे? हाँ, इसने 100 का वाउचर मारा, इसने 150 का रिचार्ज मारा, इतने 250 का मारा, क्या ऐसा होगा? जवाब है नहीं। तो इन शॉर्ट जो मैनेजमेंट होता है ना, मतलब जो बिजनेस को मैनेज करते हैं ना लोग, वो लोग डिसीजन के लिए कभी भी बुक कीपिंग पे ट्रस्ट नहीं करते, वो लोग कभी भी बुक कीपिंग पे भरोसा नहीं करते। कौन? मैनेजमेंट के लोग, हाँ। लेकिन वो लोग अकाउंटिंग पे बड़ा ध्यान देते हैं, ओके। डिसीजन के लिए ये लोग कहाँ पे ध्यान देते बताना, अकाउंटिंग पे ध्यान देते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर डिसीजन लेनी है तो डिसीजन के लिए बुक कीपिंग देखेंगे या अकाउंटिंग देखेंगे? तो जवाब है अकाउंटिंग देखी जाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग से आपको पता चलता है ना बच्चों कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। अगर अंबानी साहब के चार बिजनेस है, चार बिजनेस में से एक बिजनेस लॉस दे रहा है, तो मुझे एक बात बताओ वो क्या करेंगे, जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको बंद कर देंगे और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। तो ये डिसीजन जो ली ना, कौन सी डिसीजन, एक बिजनेस बंद करने की, कौन से बिजनेस को बंद करने की, जहां लॉस हो रहा वो बिजनेस बंद करने की जो डिसीजन है, तो मुझे बताओ वो कहां से ली, अकाउंटिंग से ली कि बुक कीपिंग से करी? तो आप बोलेंगे सर हमको प्रॉफिट या लॉस तो अकाउंटिंग करने से समझता, तो वो डिसीजन के लिए कहीं ना कहीं तो हेल्प की है अकाउंटिंग ने, ना कि बुक कीपिंग ने।
तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। तो अगर बिजनेस डिसीजन लेनी है मैनेजमेंट को तो कौन हेल्प करेगा? आपका अकाउंटिंग हेल्प करेगा, ना कि बुक कीपिंग। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। बेटा बुक कीपिंग तो गावरान काम है, जैसे हो रहा ट्रांजैक्शन उसको लिख के रख रहे। ओके, ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्ड किया, इसमें कोई बहुत खास एनालिटिकल स्किल लगती है क्या आपकी? जवाब है नहीं। लेकिन अगर अकाउंटिंग करनी है ना, तो आपको एनालिटिकल स्किल चाहिए आपके अंदर। ओके, एनालाइज करने की आप में ताकत चाहिए, तो जाके बोल सकते हो कि आप सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन सकते हो। ओके, तो फिर ये रहे आपके सारे के सारे डिफरेंस के पॉइंट। ओके, तो ये हार्डली आ आके 5 मार्क का आ सकता है एक आधी बार। तो 5 मार्क का आएगा तो आपको 5 से 6 पॉइंट अगर याद है, लर्न है, तो आप लोग उसको अच्छे से लिख पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। ओके, अब मैं आपको बता दूं, ये थ्योरेटिकल पार्ट था तो जो हमने कंप्लीट कर दिया। ये मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी हमने देख लिया था, फिर उसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ये भी हमने देख लिया। तो अब इसके बाद जो भी हम लोग शुरू करेंगे वो सारा की सारा मजेदार डिस्कशन रहेगा, बट वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, थैंक यू।